किसी उड़ती चीज को कैमरे में कैद करना तो हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन वो अगर बाज जैसा तेज उड़ने वाला पक्षी हो तो फिर क्या कहने। इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में गोता लगाते हुए हवा में शिकार को दबोचते हुए रिकॉर्ड करना हो तो ये बहुत चुनौती भरा काम है। ऐसी शूटिंग में ड्रोन्स की तकनीक कितने काम आ सकती है देखिए। स्काई उड़ने वाला फिल्म स्टार है और एक्शन। ऊंचे पहाड़ों पर एक नई फिल्म शूट हो रही है जिसमें हवा के राजा की मुख्य भूमिका है। भले ही साल दर साल जानवरों को फिल्म में बांधने के लिए नई से नई तकनीक बाजार में आ रही है, पक्षियों के साथ काम करना हमेशा एक चुनौती रही है। अब तक इस विशाल पक्षी का शिकार करते समय पीछा करने में कामयाबी नहीं मिली है। क्लीमा ने इस असंभव को संभव कर देने का बीड़ा उठाया है। वो अपनी रिकॉर्डिंग तकनीक की परीक्षा करना चाहते हैं। इसके लिए पक्षियों के ट्रेनर ने बाज शैला को तैनात किया है। ये कीमती शिकारी पक्षी जल्द सीखने में माहिर है। लेकिन इस तेज शिकारी की उड़ान को कैमरे में कैद करना उतना ही मुश्किल है, खासकर शिकार को पकड़ने के लिए नीचे आते वक्त इसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। इससे पहले वे हेलीकॉप्टर से शिकार करते बाज की तस्वीर लेने में नाकाम रहे हैं क्योंकि वो बहुत शोर करता है। अब वे नया तरीका आजमा रहे हैं। तो क्या एक छोटे से ड्रोन से, जैसा कि पुलिस और फायर ब्रिगेड अपनी जांच के दौरान इस्तेमाल करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग संभव है? इस मशीन को जमीन से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। भले ही हवा कितनी भी तेज हो, कैमरा अपने आप स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन क्या शैला 8 चक्कों वाली मशीन को बर्दाश्त कर पाएगा? एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। पॉल क्लीमा धीरे धीरे करीब आने की कोशिश करते हैं। शैला शांत है, लेकिन अभी तो पहली बाधा ही दूर हुई है। कॉप्टर शिकार करते बाज की ओर जाने के लिए बहुत धीमा है, इसलिए चारे को एक बैलून की मदद से आसमान में स्थिर रखा गया है ताकि शिकार करने की गति को धीमा किया जा सके। बैलून में एक जीपीएस ट्रांसमीटर लगा है जो कॉप्टर को पोजीशन की जानकारी देता है। ये कोऑर्डिनेटेड ड्रोन को लक्ष्य का पता बताते हैं। कॉप्टर तैयार है, लक्ष्य उसकी निगाहों में है। चूक गया, लेकिन क्लीमा हार नहीं मानते। एक और कोशिश, इस बार वे कामयाब रहते हैं। लेकिन पहाड़ों में शिकार करने का वीडियो लेने के लिए कॉप्टर कैमरे को ज्यादा समय तक आकाश में रहने वाला होना चाहिए। क्लीमा को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन उनकी कोशिश जारी रहेगी।